हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों का आज के न्यू वीडियो के अंदर। और आज की ये वीडियो काफी अल्टीमेट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जो आपको बोट पैक देने वाला हूँ, उस बोट पैक के जरिए आपका गेम पूरा चेंज होने वाला है, पूरा गेम चेंजिंग मोड होने वाला है। क्योंकि इस बोट पैक के अंदर आपको रोड टेक्चर्स मिलेंगे, साथ में 60 FPS की दमदार वाली फाइल मिलेगी जो आपके गेम को रॉकेट बना देगी। साथ ही में इस गेम के अंदर आपको कुछ स्पोर्ट्स कार्ड्स और प्लस कुछ बाइक्स प्लस कुछ ऐसी नॉर्मल कार्ड्स जो कि बहुत ही अच्छे टेक्सचर्स और प्लस बहुत ही अच्छे कलर में होने वाली है। सो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। सो क्या कर रहे हो यार, इस वीडियो को पूरा देखते रहो। और इस वीडियो में पूरा इंस्टॉलेशन प्लस किस तरीके से आपको गेम को ऑन करना है, किस तरीके से गेम को चलाना है, प्लस किस तरीके से गेम को एंजॉय कर सकते हो, वो सभी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहो। मैंने कम्युनिटी टैब पर एक रिसेंटली एक पोल पोस्ट किया था, लाइक GTA San Andreas एंड्रॉइड के अंदर बाइक मोड या कार मोड। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि बाइक मोड अपलोड करना, क्योंकि ज़्यादातर जो मैक्सिमम वोट्स थे वो बाइक मोड के ऊपर थे। मैंने एक सरप्राइज रखा था, बेसिकली सरप्राइज ये है कि लाइक इस मोड पैक के अंदर आपको टोटली लाइक सभी चीज़ें मिलने वाली है, स्पोर्ट्स कार्स मिलने वाली है अच्छी टेक्सचर्स के साथ, प्लस एक अच्छी कुछ बाइक्स आपको देखने मिलने वाली है और वो भी बहुत ही अच्छे टेक्सचर्स के साथ। तो बहुत ही लाइक इसलिए मैंने इस पैक का नाम रखा है ऑल इन वन मोड पैक, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। प्लस और मैं थोड़ा बता दूँ कि ये जो मोड पैक रहेगा थोड़ा हैवी रहेगा, और हैवी रहेगा ऑब्वियसली क्योंकि काफ़ी अच्छा मोड है और बहुत अच्छे टेक्सचर्स इज जो है एड करे गए। सो ये टेक्सचर ऑब्वियसली थोड़ा भारी रहेगा, हैवी रहेगा। बोलता हूँ कि आपके लाइक ये जो फोल्डर रहेगा वो रहेगा एटलीस्ट 2.50 GB के अराउंड। तो पहले ही कह रहा हूँ यार, थोड़ा स्पेस खाली रखना अपने फ़ोन के अंदर। और अगर आपका फ़ोन लाइक थोड़ा अच्छी स्पेसिफिकेशन का है, GTA San Andreas अच्छी सेटिंग्स में चल जाता है, तब तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। कहने का सीधा मतलब ये कि अगर आपकी रैम 3 GB से ऊपर है तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस मोड पैक के अंदर। और अगर आपकी रैम 3 GB से कम है, यानी 1 GB या 2 GB, तो उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिक्स लैग वाली वीडियो मैंने बना रखी है और उसका जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, सिंपली क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। उस वीडियो में मैंने बेसिकली ये बताया कि अगर आपका गेम लैग करता है तो आप उसको किस तरीके से जो है सेव कर सकते हो, प्लस ऊपर से अगर आपका गेम क्रैश करता है तो उसको भी आप बचा सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें मैंने उसे बताई है, सो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में हम चलते हैं इंस्टॉलेशन की, और मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टॉलेशन आप किस तरीके से कर सकते हो। बहुत ही नॉर्मल इंस्टॉलेशन होगा, लेकिन कुछ चीज़ें होगी जो आपको करनी होगी, तो वीडियो ज़रूर देखना। लास्ट तक वीडियो को देखते रहो, क्योंकि काम की चीज़ें अब से लाइक अब जो वीडियो स्टार्ट हो रही है ये सभी चीज़ें मैं बताऊँगा, वो काम की चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आपको फाइल डाउनलोड कर लेनी है डिस्क्रिप्शन में जाके, और मैं पहले ही बता रहा हूँ इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होगा, सो अफोर्ड कर सकते हो तो कर लेना, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउनलोड कर लोगे इजीली, ठीक है। फोल्डर मिल जाएगा आपको, और ये फोल्डर लगभग रहेगा 2.5 GB के अराउंड, ठीक है। पहले ही बता रहा हूँ अपने फ़ोन में स्पेस खाली करके रखना, ठीक है। इस फोल्डर को कॉपी कट या जो करना है कर लूँ, मैं कट करता हूँ, बैग आता हूँ, एंड बैग आने के बाद एंड्रॉयड डाटा एंड पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिप्लेस मांग रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे अपनी पहले वाली फाइल को डिलीट करना है, फिर आपको नई फाइल पेस्ट करनी है, ठीक है। फिर आपको फोल्डर मिल जाएगा, फोल्डर ओपन करो। फोल्डर ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे जाना है फाइल्स में, फाइल्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे, ये आपको दिख जाएगा TEXTP वाला फोल्डर, इसको ओपन करो। उसको ओपन करने के बाद TXT फोल्डर खोलो, ठीक है। TXT फोल्डर खोलने के बाद अब आपको ये तीन फाइल को रीनेम कर देना है अपने GPU के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल आपका GPU है Adreno, तो यहाँ पे मैं ETC लिख देता हूँ तीनों फाइल्स में, हैज इट इज़। देखो एज यू कैन सी मैंने ETC लिख दिया। फिर आपको बैग आके GTA 3 फोल्डर ओपन करना है, ठीक है। GTA 3 वाला फोल्डर में आपको यहाँ पे ये नेम चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा आपको कोई नेम चेंज नहीं करना है, मेरा यहाँ पे Adreno है, तो लाइक मैं Adreno कर देता हूँ, सिंपली बस हो गया, और कुछ नहीं करना है, और कुछ छड़ाछड़ी नहीं करनी है। वैसे मेरा GPU PVR है, सो इसलिए मैंने लाइक PVR हटा दिया, सिर्फ एग्जांपल के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ETC लगाया, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों का जो रहता है GPU वो Adreno रहता है, ठीक है। सो आप अपना GPU पहले देख लेना, आई होप कि काफ़ी लोगों को पता होगा अपने फ़ोन का GPU। बाय द वे आपको बस इतना ही करना है, एंड इसके बाद आपको अपना गेम चालू करना है। और ध्यान से सुनना, गेम ओपन करने के बाद आपको जो लोड गेम होता है वो नहीं करना है, ठीक है। लोड गेम नहीं करना है आपको, न्यू गेम करना है। न्यू गेम करोगे
तो आपका मोड अच्छे से वर्क करेगा, कोई क्रैश नहीं होगा। क्योंकि अगर आप लोड करोगे तो मे बी आपका गेम क्रैश हो सकता है या फिर कोई इशू आ सकता है, आपका गेम ढंग से नहीं चलेगा। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको न्यू गेम स्टार्ट करना है, ठीक है, न्यू गेम चालू करना है। ओके, और बहुत ईजी होगा। इस मोड पैक के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें मिलेगी, आपको एक इसमें नया लोडिंग स्क्रीन का मेन्यू है वो देखने मिल जाएगा। टोटली कहने का मतलब ये कि सारी चीज़ें जो है इसमें नई देखने मिलने वाली है और बहुत ही ऑसम मोड पैक होने वाला है। सो काफ़ी रिक्वेस्टेड मोड था और आई नो लाइक मैंने कल पोस्ट डाली थी, लेकिन अब क्या हुआ कि वीडियो को बनाने में लाइक बहुत टाइम लग जाता है। आपको पता है कि मोड पैक लाइक मोड तैयार करो एंड उसके बाद में इसकी चेकिंग करता हूँ, उसके बाद में फिर मैं अपलोड करने के लिए लाइक आपको पता है ना एडिटिंग भी करनी होती है अपलोड करने से पहले, तो काफ़ी चीज़ें होती है, इसलिए मैं वीडियो थोड़ी लेट अपलोड करता हूँ। ठीक है, यानी कि आती तो रोज़ाना वीडियो है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कभी ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो आप एडजस्ट कर लिया करो क्योंकि आपको खुद को पता है यार बहुत मेहनत लगती है ऐसे मोड्स को बनाने के लिए। सो बेसिकली ये मोड अब आपका जो है फाइनली तैयार है और कोई क्रैश होने नहीं वाला। और मैं एक बात और बता दूँ कि लाइक PVR यानी कि जो मेरा जो GPU है, तो ये इस GPU में बेसिकली मैंने रन किया, बहुत अच्छे से चल रहा था, पर एक मेरा दूसरा डिवाइस था, ठीक है, एड्रेनो वाला, तो उसके अंदर मैंने अपने फाइल्स को डाला, बट वहाँ पे एक इशू आ रहा था। ठीक है, वहाँ पे मेरा गेम क्रैश कर रहा था, हालांकि मैंने रीनेम भी किया, बट उसके बाद में मेरे मोड पैक में मैंने थोड़े एडिट किए हैं, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे कोई क्रैश होने नहीं वाला। लेकिन फिर भी अगर आपका क्रैश होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि लाइक मेरे को भी एक डाउट हो रहा है छोटा सा कि कहीं ना कहीं जाके आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि बेसिकली मोड पैक बहुत बड़ा है, क्योंकि इस मोड पैक के अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें देखने मिल रही है, तो मे बी ये मोड कहीं ना कहीं पे ये क्रैश कर सकता है। तो मैं भी थोड़ा इस गेम को अच्छे से ध्यान से एकदम समझ रहा हूँ ना, अच्छे से खेलना, तो ज़्यादा एकदम ट्रैफिक फुल मत हो जाना पूरे गेम में, तो आपका गेम अच्छे से चल जाएगा, मोड अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास है PVR GPU तो बहुत ही अच्छे से ये मोड पैक रन करने वाला है। ठीक है, कोई इशू नहीं आने वाला एंड आप मोड पैक को इन्जॉय कर सकते हो। सो यार, आप जैसा कि देख सकते हो कि बेसिकली स्टार्टिंग से लेके एंड तक अब तक की इस गेम प्ले में मैंने जितनी कार्ड से जितनी बाइक्स से वो मैंने शो कर दिए, उनका प्रीव्यू आपको दिखा दिया है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कार्ड्स है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि आपको मैं आपको बता दूं कि जो मेरा गेम चल रहा है थोड़ा लो सेटिंग पे चल रहा है, क्योंकि मेरा डिवाइस आपको पता है थोड़ा कम GB का है, तो मे भी लैग करता है, बट आपका अगर रैम अच्छा है तो आपका तो बहुत अच्छे से चलने वाला है। ठीक है, एंड गाइज आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक ज़रूर कर देना, नए हो इंस्टा पे फॉलो ज़रूर कर लेना, इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन ना किया हो तो वो भी कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी हम लाइक गेम खेलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड बाय।